हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके दिखाने के जा रहा हूं। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल बड़ा ही शानदार है। आज मैं आपको पटना के एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी की मैं सैर करने लेके जा रहा हूं। असल में ये यूनिवर्सिटी पटना में नहीं है, पटना के बाहर नालंदा में स्थित है ये यूनिवर्सिटी। मैं आज आपको इस यूनिवर्सिटी की सैर करने लेके जा रहा हूं। और ये बहुत ही शानदार कई एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने जो यूनिवर्सिटी है, ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, उसका एक कैंपस है। ये जो है कई एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है। पहले मैं आपको बता दूं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जिसको NOU के नाम से जाना जाता है, ये पटना में स्थित था, पर इसकी अब नई कैंपस नालंदा के बड़गांव में बन चुकी है। तो मैं अभी बड़गांव में हूँ। ये नालंदा के सिलाव थाने में स्थित एक गाँव है बड़गांव। ये नालंदा रूइंस मतलब कि नालंदा खंडहर, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के ठीक बगल में है। वहाँ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी UGC से ग्रांटेड है, UGC से रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक गवर्नमेंट ओपन यूनिवर्सिटी है, बिहार सरकार का ओपन यूनिवर्सिटी है। और इसको आज से 36 साल पहले 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके चांसलर बिहार के गवर्नर होते हैं और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कृष्ण चंद्र सिन्हा हैं। यहाँ लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट हैं और ये इंडिया का जो है वो सेकेंड सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है IGNOU के बाद। पहले इसका हेडक्वार्टर बिस्कोमान भवन पटना में था, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2023 को इसके नए कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया, जो कि 121 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ये बड़गांव में स्थित है, सिलाव एरिया में स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस जो है, ये लगभग 10 एकड़ एरिया में बना हुआ है। ये नालंदा खंडहर के बगल में है। ये कैंपस जो है 40 एकड़ एरिया में बनने की उम्मीद है, और भी इसको फैलाया जाएगा अभी। और ये 2020 में पहला यूनिवर्सिटी बना था बिहार में जिसने कि UMIS मतलब कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में अवेलेबल है। ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है MCA, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 1 ईयर का कोर्स अवेलेबल कराता है। यहाँ पे PG कोर्सेज भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom जैसे सभी डिग्री प्रोग्राम्स को अवेलेबल कराता है। उसके अलावा यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और वीडियो बड़ा शानदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं बोलेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।